कि केंद्र सरकार जब योजनाओं का लाभ दे रही है राज्य सरकार को, तो ममता बनर्जी क्यों रोक रही है? क्यों सर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल इस डिबेट में नहीं होता? अगर बंगालियों के नियम क्या होते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते, 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं, आर्थिक रूप से तक नहीं निकलते हैं, ये पूरे सनातन का नियम है। ये सनातन का नियम है ना, तो इसीलिए मैं आपसे बता दे रहा हूँ, हम लोग बंगाली इसको ज्यादा मानते हैं। मैं आपको उसके लिए पहले बता दे रहा हूँ कि ये हम लोगों का एक नियम है, ये आप लोगों का नियम है बात को घुमाने का। आजकल का नियम है कि बैंक कर्मचारी घर भी आ सकता है, आजकल का नियम है कि बैंक कर्मचारी घर भी आ सकता है। आप किसी भी बैंक कर्मचारी को अगर कहें कि वो घर जाके अकाउंट खोले तो वो घर जाके अकाउंट भी खोल सकता है, ये आज का नियम है। आप लोगों का नियम है बातों को घुमाने का। अच्छा इनसे ये पूछिए, सुनिए संजय जी से, जो ये टीएमसी के प्रवक्ता है, इनसे पूछिए क्या बंगाल में सब लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना है, जो बांग्लादेश से आए हैं रोहिंग्या वगैरह सबका बना है कि नहीं बना है? संजय जी जल्दी से जवाब दीजिए, बना के पास जाओ। बैंक अकाउंट नहीं खोल पाए लेकिन वोटर आईडी कार्ड लाइन से लगा करके सबका बना दिया है। ठीक है, वोट लेने होते हैं ना, इस वजह से जवाब दो। हाँ। कौन से एंकर कौन है इसमें? दे दीजिए। नहीं सर, आप सवाल पूछ रहे हैं, आपने मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, तो एक सवाल कर रहा है तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना। वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक है। फिर आपने ना एंकर बनाइए ना बीजेपी का प्रवक्ता बनाइए सर। पार्टी का प्रवक्ता ही के रूप में बात कर रहे हैं, पार्टी का एंकर के रूप में बात वो नहीं कर रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता का प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक है। मैंने बड़ा दिन दिखाने के लिए ममता दीदी को बधाई सबसे पहले दी, मैंने ममता दीदी को बधाई दी बड़ा दिन दिखाने के लिए। मुझे संजय जी सराहना हम कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने अगर 2 लाख रुपए दिए कोई दो राय नहीं है कि अच्छा काम उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन सवाल ये कि इन गरीबों के अब तक अकाउंट नहीं खुले हैं। इन गरीबों से जब हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कोई भी सुविधा अब तक उनके यहाँ नहीं मिली है। आप उनके घर देख लीजिए, घर के बाहर सड़क नहीं है, झोपड़ पट्टी में वो रह रहे हैं। कौन सी सुविधा दे रही है बंगाल की सरकार सर? ये हमारा सवाल है। तपोज जी ठीक है संजय जी, तपोज जी सभी सवाल लेता हूँ, सत्ता में इस वक्त वो भी हैं, केंद्र में वो भी हैं। तपोज जी सवाल तो आपसे भी है ना सर, एक मिनट तपोज जी रुक जाइए, ठीक है तपोज जी सुनिए तो सही। ये धर्म की आड़ में इस तरीके से हमने पहला पेपर घुमाने की कोशिश कर रही है, ये गलत है। धर्म का ठेका आपने ले रखा, धर्म का ठेका आपने ले रखा, आप ही धर्म का ठेकेदार हो, आप धर्म के ठेकेदार के आप ठेका ले रहे हैं। आपने ब्रांड कर रखा है, आप लोग ठेका उठाइए विकास का, आप लोग ठेका उठाइए उन लोगों को घर देने का, आप लोग ठेका उठाइए उन लोगों को सड़क देने का, पानी देने का, बिजली देने का। धर्म के ठेकेदार बन बैठे संजय जी जवाब दीजिए तपोज जी का, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार क्या कर रही है? एक मिनट संजय जी, अखाड़ा नहीं है ये, अखाड़ा नहीं है सर, एक एक करके जवाब दो। ठीक है संजय जी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अकाउंट खोले, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उन आम जनता को मिल पाए, उन आम जनता को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? संजय जी आपने मोनोपोली ले रखी, संजय जी जवाब दीजिए, ठीक है जवाब दीजिए, राज्य सरकार क्यों योजनाओं का लाभ नहीं दे रही, केंद्र सरकार की योजनाओं का? ठीक है तपोज जी आ रहा हूँ, तपोज जी एक मिनट आ रहा हूँ सर, जनता को समझ में आए अपने मुद्दे की बात हम लेकर आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है संजय जी आप किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, सवालों का जवाब दीजिए। केंद्र सरकार जब योजना देती है, एक मिनट सुन तो लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि केंद्र सरकार जब योजनाओं का लाभ दे रही है राज्य सरकार को, तो ममता बनर्जी क्यों रोक रही है? क्यों सर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल इस डिबेट में नहीं होता, अगर आपको करना है तो आप जा सकते हैं, आप अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल ना करें। मेरी अपील है आपसे ठीक है, आप जा सकते हैं, मेरे यहां पर मुद्दे की बात में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पर पाबंदी है, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े आए, इतना समय आपने निकाला। एके मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एके मिश्रा जी क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति ऐसे ही हो गई है, गाली गलोच दंगा, गरीबों को कोई मदद ना देना,
क्योंकि ये जो तस्वीर हमने देखी है वो कहीं ना कहीं गरीबियों को मदद ना मिलने वाली ही दिखाती है सर, और जिम्मेदारी दोनों सरकारों की है। एके मिश्रा जी, देखिए अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता महोदय है उन्होंने जिन शब्दों का एट में प्रयोग किया जी, ये बड़ा घृणित है। इवन मैं देखता हूँ कि ममता दीदी भी बहुत प्रहार करती है, लेकिन इस तरह के अमर्यादित शब्दों का पूरे टीएमसी के किसी भी प्रवक्ता या नेता से मैंने नहीं सुना जो इन्होंने दिया। एक बंगाली बड़ा प्रबुद्ध हो, लैंग्वेज बड़ी मीठी मानी जाती है, शिष्टाचार पे वहां पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, और ये कैसे प्रवक्ता है? ये तो पूरी पार्टी को अगर इसी तरीके से ये जो है डिबेट करते रहे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहे, तो ये तो पूरी पार्टी को ही डुबो देंगे, टीएमसी पार्टी को ही पूरी की पूरी डुबो देंगे। और उधर तो इनकी पार्टी के लोग मेहनत किए जा रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी फेवर नहीं करता हूं कि इस तरह के वार प्रतिवार के बीच आप अपना ठीक है अभी और हमारा चैनल सर जिम्मेदार चैनल है कि मिश्रा जी, हमारा चैनल जिम्मेदार चैनल है, और अगर किसी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना होता है तो हम उसे मंच नहीं देते हैं सर। इसलिए मैंने उन्हें कहा अगर अमर्यादित शब्द का आपको इस्तेमाल करना है तो आप जा सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो अगर डिबेट में बैठना चाहे तो जवाब दें, नहीं बैठना चाहे तो जा सकते हैं सर। मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम विचारों को रखने के लिए बुलाते हैं, सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं, अगर सवाल का जवाब आपको नहीं देना है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल सर दोनों सरकार से बनता है, लेकिन ममता बनर्जी का ज्यादा यहां पर जिम्मेदारी, क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले दिनों ही बयान दिया था कि हमने कैसे केंद्र सरकार की योजना जो आ रही है उसका लाभ ना देकर राज्य सरकार की योजना का लाभ ज्यादा दिया है, लेकिन वो तो नहीं दिख रहा। देखिए ये समस्या पहले भी आई थी, अगर देश के सर्वांगीण विकास की बात करें तो केंद्र और संप्रभु राज्य सरकारें, मैं यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों को सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। दिल्ली में भी और वहां पे भी कई सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं गई, उन लोगों ने उसको या तो अपने नाम से चलाया या चलने ही नहीं दिया। ये बंगाल में भी ये प्रॉब्लम आई थी, शायद कुछ चावल डिस्ट्रीब्यूशन या किसका था तो वो नाम ही योजना का परिवर्तित करके, अरे पब्लिक को बेनिफिट होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ये शपथ ली है कि उस जगह की जनता का भला होगा, कल्याण होगा, तो वहां पे भी इतनी कंजूसी या इस तरह का मीन माइंडेड होना अपने आप में देश के लिए बड़ा नुकसानदायक है। मैं तो बोल अच्छा एक चीज ये बताइए, अभी वर्ल्ड बैंक से अगर पैसा आए, IMF से पैसा आए किसी स्टेट के लिए, तो उसको एकदम ढोल पीट करके उनको गर्व महसूस होगा, और अपने देश की भाई बीजेपी पार्टी फंड से तो आपको पैसा नहीं जा रहा है ना, आपको पैसा जा रहा है भारत सरकार से, और भारत सरकार से पैसा मतलब जो महाराष्ट्र की जनता टैक्स पे कर रही है, कर्नाटक की कर रही है, यूपी की, पंजाब की, हरियाणा की, वो जनता ने पैसा दिया है कि हमारे बंगाली भाइयों को मदद दी जाए, सपोर्ट दिया जाए, डेवलपमेंट का काम किया जाए। तो आप तो पब्लिक टू पब्लिक जो सपोर्ट होता है आपने उसको भी दिया, इतना बड़ा डिवीजन तो मैंने कभी देखा ही नहीं भारत के इतिहास में। यही तो दिक्कत है ना एके मिश्रा जी, यहाँ बात समन्वय की है एके मिश्रा जी, दिल्ली के अंदर